देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में मौसम का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 12 अप्रैल तक तापमान में सामान्य से ज्यादा बढ़ोतरी होगी और बढ़ते पारे से फलों सब्जियों को भारी नुकसान होगा, ये कहा जा रहा है। कुछ जिलों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ सकती है, मौसम विभाग ने कहा है। और गर्मी से बर्फ पिघलने और हिमस्खलन का भी खतरा है, ये मौसम विभाग ने कहा है कि हिमस्खलन की खतराएं भी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ सकती हैं। और ये बड़ी जानकारी आपके सामने है कि वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं, मौसम विभाग ने कहा है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, रेड अलर्ट जारी किया गया उत्तराखंड में मौसम को लेकर और 12 अप्रैल तक तापमान में सामान्य से ज्यादा इजाफा बढ़ोतरी होगी, ये कहा गया है। उत्तराखंड में जंगल की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। गर्मी शुरू होते ही जंगल लगातार सुलग रहे हैं। ताजा तस्वीरें चमोली और रानीखेत से सामने आई हैं। चमोली में चारों तरफ जंगल धूं धूं करके जल रहे हैं। सूखे पेड़ों के बाद अब हरे भरे पेड़ों को आग ने अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया है। यहाँ लाखी गांव के जंगल में भी लगातार आग जो है वो विकराल रूप धारण कर चुका है, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग पर आरोप भी लगाए। वही दूसरी तरफ रानीखेत में दलमोटी के आरक्षित और वन पंचायत क्षेत्र के जंगलों में अचानक से आग भड़क उठी। जंगल की आग को बुझाने में वन विभाग के DFO महातिम यादव और रेंजर हरीश टमटा समेत कई कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी वन संपदा को नुकसान हो रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझाइए। अब जो मौसम का अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है, रेड अलर्ट जो जारी किया गया है, उसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, कुछ जिलों को लेकर ये कहा जा रहा है कि वनाग्नि की घटनाएं बढ़ सकती है, कहीं पर हिमस्खलन भी बढ़ सकता है, इसको लेकर क्या तैयारियां वहां पर कर रहे हैं अधिकारी? बिल्कुल जी, तो देखिए 12 अप्रैल तक अगर बात करें तो तापमान सामान्य से बहुत अधिक रहने की संभावना है और रेड अलर्ट जारी है, तो ऐसे में सतर्क रहने की जरूर आवश्यकता है। जहां तक आपने तैयारियों की बात की है तो खासतौर पर वनाग्नि की घटनाएं हैं उनमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि जब ज्यादा यहाँ पर धूप होगी तो वनाग्नि की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में फॉरेस्ट के जितने भी जो वर्कर्स हैं उनको और जो वन विभाग के जितने भी लोग हैं जो अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही वन पंचायतों को अलर्ट पर रखा गया है, ग्राम प्रधानों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी तरीके की गाँव के आसपास को इस तरीके की वनाग्नि की घटनाएं होती है तो उन पर काबू पाया जा सके। मौसम विभाग ने भी अपनी ओर से हिदायत दी है उन गाँवों को जो कि जंगल के करीब है कि अपने गाँव के चारों ओर फायर लाइन काट लें अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि अगर जंगलों से आग गांव की तरफ आती है तो उससे कुछ राहत मिल सके। इसमें साथ ही साथ गर्मी अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो बर्फ पिघलने से हिमस्खलन होने का भी खतरा मौसम विभाग, इसके लिए भी अधिकारियों को अपने स्तर पर तैयारी करनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका रवि, पूरी जानकारी के लिए।